मेरे साथ लगा है ये छोटा मूस, आज तो ये इतनी दूर आ गया वहां से। चलो आजा आजा आजा। ये है हमारा एक छोटा सा मकान जो कि जंगलों के बीचों बीच है। हाँ मैंने पिटाई कर दी इसकी, कपड़ा खींच रहा है उसमें से। ये और काफल भी लगने लग गया अब तो, वही पकेंगे चैत के महीने में। कोलगेट वाला ब्रश इसने काट दिया है। छिपू किसने काटा है? अच्छा जी हाँ। और भैया हमारी अम्मा जो है घास लेने के लिए जंगल जाने को तैयार हो गई हैं। दो छोटे प्राणी यहाँ पर नाच रहे हैं, ये मूस और उसकी मम्मी। लाल वाला छत में नाच रहा है, बकरिया गोट में है और वो भैंस भी गोट में है, क्योंकि यहाँ ठंडा काफ़ी होता है इसलिए हम लोग जो है इनको 11 बजे खोलते हैं। और अभी अभी जो है हमारा एक चोर प्राणी आया है, ये है वो बिल्ला। तो ये चोर प्रजाति का है और थोड़े बहुत ऊपर जो है तो उस पहाड़ पे मेहमान भी नाच रहे हैं पेड़ों पे। अभी कौन है? गरम हाँ। और भैया ये भी जो है चोर प्राणी है, इसने मेरा कॉलगेट वाला ब्रश जो है गायब कर दिया है। और हमारे पास एक बिल्ला है, इसकी खास बात यह है ये आमा के मतलब आसपास ही रहता है, जैसे आमा घास लेने गई वहाँ चले जाता आमा के साथ। ये हमारे वहाँ धूप आती है आपका 11:30 बजे के आसपास, तब तक जो है ठंड में ही हमको गुजारा करना पड़ता है। इस बार तो भाई 3 प्राणी लगे हैं पीछे पीछे। खैर वो छोटा तो नहीं जा पाएगा मूस, देखते हैं क्या होता आगे। चलो आजा, चलो भाई घर वापसी, चलो 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 फिर खेलना, चलो सीधे घर को वापस। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो लॉग में। तो भैया मैं हूं आजकल पहाड़ों में और रूबरू कराऊंगा आप सभी को पहाड़ के जीवन से। तो सुबह के टाइम देख लो एक बार, सुबह के 9 बज चुके हैं, 8:55 हो चुका है और ठंड से यहाँ हालत ख़राब हो रही है। तो अभी मैं जो हूँ आपको ले जा रहा हूँ हिमालय दिखाने, क्योंकि हमारे वहाँ पर से हिमालय का बहुत बढ़िया मतलब काफ़ी बढ़िया अच्छा नज़ारा दिखता है। तो चलते फटाफट, और ठंड से तो हालत ख़राब भैया यहाँ पे। और ये जो मेरे सामने पेड़ है इस पे जो है रसीले रसीले माल्टे लगे हुए हैं, तो इनको भैया हम खाएंगे धूप आने के बाद, क्योंकि इनसे जो है जुकाम भी लग जाता है, गला ख़राब कर देते हैं इन्हें। मेरे साथ लगा है ये छोटा मूस, आज तो ये इतनी दूर आ गया वहाँ से। चलो आजा आजा आजा, आज इसको भी घुमा ले आता हूँ। आजा आजा आजा, पता नहीं चला आंकड़ा बाट मैं पावल ही माला दे हूँ। आजा आजा मूस ले 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 ले, आजा आजा जल्दी आ घुमाएगा, आजा आजा जल्दी आ। हाँ और भैया आमा जो है वहाँ स्विमिंग पूल के पास पहुँच गई है। हमारा एक स्विमिंग पूल भी है, मतलब टंकी बनी थी ना पानी वाली, वो तो हमने उसको ही स्विमिंग पूल बना दिया। दोस्तों जैसे पिछली बार, जैसे पिछले साल 2022 में शुरुआत में ही बर्फ़ पड़ गई थी, तो इस बार मतलब कोई आसार नहीं है बर्फ़ पड़ने के। पता नहीं मौसम में ऐसा क्या चेंज आया है जिसकी वजह से बर्फ़ ही नहीं पड़ रही यहाँ पे। तो हिमालय में तो भैया बादल रहते हैं तो बर्फ़ पड़ जाती है, मतलब क्योंकि हाइट पे है और ठंडा वहाँ वो टेम्परेचर जो है जल्दी गिर जाता है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। तो वही नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। और जैसे जैसे मतलब पंचाचोली पीक भी दिखती है, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो सामने टॉप पहाड़ ना उसके ऊपर जाना पड़ता है। तो यहाँ से आपका मैकतोली हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी ईस्ट वेस्ट हो गया और नंदा कोट जो है, नंदा घुंघटी जो ये पीक है मेजर पीक, वो दिख जाती है हमारे यहाँ से। तो मैं लोकेशन में पहुँच गया हूँ, तो दिखाता हूँ आपको बढ़िया करके हिमालय का नज़ारा। और दोस्तों ये है हमारा एक छोटा सा मकान जो कि जंगलों के बीचों बीच है। तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का जहाँ पर हम रहते हैं।
और यहाँ पर धूप आती है आपका दिन के लगभग 11:30 और 12 बजे के बीच। तो तब तक जो है हम ऐसे गुजारा करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं जो कि इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो फिर कभी बताऊंगा आपको मैं। और यहाँ पर हमारा एक झरना हुआ करता है। मॉर्निंग दोस्तों, वैसे तो गुड आफ्टरनून होने वाला है बहुत जल्द। धूप जो अभी आई नहीं है घर पे, तो मैं पहुँचा हूँ इस बड़े से माल्टे के पेड़ पे, क्योंकि भैया यहाँ के माल्टे इतने मीठे होते हैं। तो फटाफट माल्टे तोड़ते हैं और रास्ते पे चलते हैं, वहाँ धूप आ गई है। अरे भाई बादल भी आ रहे हैं ऊपर से, धूप में थोड़ा ताकत कम हो रही है। तो फटाफट तोड़ते हैं माल्टे और चलते हैं धूप सेकने भैया। लल्लू मुस मुस, ये बड़ा मुस है, वो वाइट वाला छोटा मुस है। तो यहाँ पर धूप के मजे ले रहा है। और हमारे घर का हाल तो भैया कुछ ऐसा हुआ है, ये आमा जो है ऊपर जंगल में गई है घास लेने, वो टंकी के ऊपर को। और भैया हमारी कारीगर आमा पहुंच गई है, उनके साथ वो बिल, फिर और वो कारीगर बिल्ला ही पहुंचा है, वो थोड़ा वहीं पर रुक गया है वो किनारे पे बैठा है गुठ में। लकड़ियां भी लाई है हमें, बहुत बढ़िया। और भैया तो मैं निकल रहा हूँ अभी बहुत दूर तो नहीं, मतलब लगभग 1 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, वो भी तेल का गैलन लेके। तो इसमें जो है तेल लेने वाला हूँ मैं, मतलब ला रहा हूँ तेल अभी, पर माइन है ना सोपस्टोन माइन, तो वहाँ मशीनें होती हैं काम करती हैं, तो उनका एक ख़राब तेल निकलता है, तो उसको लेके आ रहा हूँ। तो वो जो है आग जलाने में काफ़ी मददगार होता है, तो फटाफट लेके आते हैं उसको अभी। ये भी लग गया मेरे पीछे लल्लू, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो वापसी हो रही है अभी सोपस्टोन माइन से। तो ये है वो बोतल, थोड़ा बहुत तेल अभी गिर भी रहा है, इसमें लीक कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तेल लेके आ गया मैं। आग जलाने में मतलब बढ़िया मदद करता है। और भाई यहाँ पर को हिसालू का पेड़ है, तो हिसालू में फूल आने लग गए हैं ये, और काफल भी लगने लग गया अब तो, वही पकेंगे चैत के महीने में। गुड आफ्टरनून, तो दिन के 1 बज चुके हैं, धूप आ चुकी है बढ़िया वाली, और उस वाले गांव में सामने जो है छांव आने लग गई है, और ऊपर से भी छांव शुरू हो गई है। हमारी आमा जो है छोटे मुस के साथ लगी है, इसकी सफाई हो रही है छोटे मुस की। ये कोलगेट वाला ब्रश इसने काट दिया है। चिबू किसने काटा है, हैं किसने काटा, बाजी करती है, हैं देख तो किसने काटा है, किसने काटा है, हैं बदमाश नहीं की, हैं मैं क्या करनी बाबा शेरा मैं इतने शेर आयो ना क्यों क्यों क्या ना गंदा पड़ा कुछ नहीं आती बैर हूँ भी यो खाना ये पिटाई करो बेमिनी ते पिटाई लगाओ दिमिनी और टाल में ठीक कर देंगे पिटाई लगाऊंगे हम अलगाओ हाँ मैंने पिटाई कर दी इसकी, कपड़ा खींच रहा है उसमें से बैगन के पेड़ से। ओए तेरी पिटाई कर दी ले छोटे मूस, आ लग गया पछे, आ तमरा पछे लग गया माँ है। अभी हम व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था करते हैं इस भाई ने जो है, भाई जो क्या नाखार में था माँ बेचारा इसने पानी फेंक दिया है, पानी ला बोल रहा है, तेरी पिटाई हो गई रे, हैं तेरी पिटाई कर दिया मैंने, हैं
तो घास क्यों नहीं खा रहे हैं? बदमाशी करता है ऐसे बदमाश भैंस। आओ पछले लग गया हूँ। यो 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 की मन छा रहा क्या मानना पहचा म यो यो के कौन है यो तो कुल शादा कौन होगा बाजना आवाज छुपा रही है अपने आप को के कुत्ते से देखिए वहां की छुपुआ कहने देना की देना तो तेल बैठा पा तेल पानी दे वे बैठल पानी पी आम गण है पानी ले पाँव भी ले जा मेरा उखाड़ के जा। हाँ खा ले मेरा पाँव। गुड इवनिंग। 3:30 बज चुके हैं और आमा जो है घास लेने जा चुकी है और उनके साथ उनका प्यारा बिल्ला भी लग गया है। रस्ते रस्ते उछलते कूदते जा रहा है, यहाँ भी देख रहा है और ये छोटा प्राणी भी जाने की इच्छा रख रहा है लेकिन वो नहीं जा पाता वो वहाँ पर से ऊपर। आमा चल दी और मुझे भी जाना है क्योंकि वहाँ रास्ता बनाना है आज वहाँ पर को। तो पहले हम हथियार ले आओ जरा, इसको बाद में ले आएंगे। पहले वहाँ से पावर बैंक ले आओ जरा, मैं भूला है उसको वहीं। और ये भाई छिपकली प्राणी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। छिपकली कहाँ गई थी हैं? और छिपकली जो है इधर ऊपर रास्ते से आ रही है, ये लल्लू जो है नीचे वाले रास्ते पर सोया था वहाँ पर को। हाँ भाई मूस, ओए बड़ा मूस, अब तो बुढ़ापे की ओर चल गया ये भी बदमाश का। आमा चलेगी भाई, मुझे भी जाना है, बाय बाय। प्यारे दोस्तों तो ये है वो हथियार, इतना बड़ा संबल ले आ रहा हूँ मैं वहाँ रास्ता बनाने। आए भाई भारी है बहुत। चलते फटाफट, आ रहे हो कोई तुम में से? ये बैटरी भी ख़त्म हो रही है। मूस मूस तो चलेगा उधर को। तो भाई चलते फटाफट, वहाँ बकरियाँ भी आ गई अब तो। वो अच्छा हाँ बाबा हाँ एक ये कल है हाँ अच्छा जी हाँ ठीक बा ठीक अल्लाह में खानों भी वस्ता हूँ ठीक बट ठीक। हाँ गुड इवनिंग प्यारे प्यारे दोस्तों। तो शाम के 5:04 और यहाँ पर तो पूरा अंधेरा हो गया है हमारे एरिया में। तो थोड़ा बहुत मैंने काम कर लिया है, मतलब टेम्प्रेरी रास्ता बना लिया मैंने और अभी नज़ारा दिखाता हूँ आपको। हमारे यहाँ तो अंधेरा हो गया है, सामने पहाड़ में धूप बची हुई मस्त दिख रहा है और हिमालय तो थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन बादलों से ढका हुआ है अभी वो भी। ये हाल है भैया देखिए, वो थोड़ी पीक दिख रही है उसकी नंदा घुंघटी की, बाकी तो वहाँ तो धूप बची है लेकिन हमारे वहाँ को जो है ऐसा हाल हो गया, अंधेरा हो गया लगभग पूरा। तो थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ी मुझे और थोड़ा बहुत चोटें भी आई हैं। तो रास्ता थोड़ा बहुत बन गया है, वही अरेंजमेंट करना था इन पत्थरों को। आमा जो है वहाँ घास काट रही है, बिल्ला तो भाग गया वहाँ से, आमा के साथ आया था उसने दौड़ लगा दिया, भाग गया बिल्ला।